नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं शुभे आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नज़दीक आ रही हैं, ठीक वैसे ही चुनावी तस्वीरें भी साफ होती दिखाई दे रही हैं। सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों को रणभूमि में उतारने को तैयार हैं। अगर इतिहास को देखें तो ये साफ नज़र आता है कि अगर पार्टियों को जीत का भरोसा हो तो वो आपराधिक पृष्ठभूमि वाले जो उम्मीदवार होते हैं उनको भी रणभूमि में उतारती है। आज हम आपके सामने ये सवाल लेकर आए हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह होती है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले दागी नेताओं को पार्टियां रणभूमि में उतारने को मजबूर होती है या फिर उतारती है। तो आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब इस पूरी रिपोर्ट में। अभी तक के विधानसभा चुनाव के आंकड़े दिखाते हैं कि पार्टियों को अगर जीत का भरोसा हो तो वो आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को उतारने में भी संकोच नहीं करते हैं। 2015 में तकरीबन 30% उम्मीदवार खुद के आपराधिक रिपोर्ट वाले घोषित किए गए थे, जो जीत के विधानसभा पहुंचे उसमें आपराधिक रिकॉर्ड वाले विधायकों की संख्या करीब 60% रही थी। हालांकि इस बार सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग ने नियमों को सख्त किया है और पार्टियों से कहा है कि उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड को अखबारों और दूसरे माध्यमों के जरिए सार्वजनिक किया जाए। तकरीबन सभी बड़ी पार्टियां आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को हमेशा तरजीह देती रही है। 2005 और 2010 में जब नीतीश कुमार गाजे बाजे के साथ अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने की घोषणा कर रहे थे, उस वक्त उनके विधायकों में एक नाम अनंत सिंह का भी था। बिहार के डॉन और छोटे सरकार जैसे नाम से मशहूर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले विधायक अनंत सिंह ने 2015 में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में मोकामा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता। अब बिहार की मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल ने अनंत सिंह को टिकट दिया है। अनंत सिंह फिलहाल बेऊर जेल में बंद हैं। राजनीतिक उम्मीदवारों के धन और बल का डाटा तैयार करने वाले संस्थान ईडीआर के मुताबिक 2015 में हुए चुनाव में करीब 30% उम्मीदवार दागी थे। इन उम्मीदवारों ने लिखित में कहा था कि उनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। उस समय करीब 104 ऐसे चुनाव क्षेत्र थे जहां 5 या उससे ज़्यादा दागी उम्मीदवार खड़े थे। पिछले 2 विधानसभा के चुनावी आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी से लेकर जेडीयू और राष्ट्रीय जनता दल से लेकर कांग्रेस जैसी सभी पार्टियों के चुनाव जीतने वाले आधे से ज़्यादा उम्मीदवार दागी थे। 2015 में राष्ट्रीय जनता दल के 81 विधायक चुनाव जीत कर विधानसभा पहुंचे, जिनमें से 46 यानी कि 64% उम्मीदवार दागे रहे थे। कुछ यही हाल बीजेपी और जेडीयू का रहा। ऐसे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को राजनीति में आने से रोकने के लिए फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिया। कोर्ट ने टिकट देने वाले पार्टियों से कहा कि ऐसे उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास की जानकारी जनता को बताई जाए। चुनाव आयोग ने भी पिछले महीने गाइडलाइन को सख्त बनाते हुए कहा कि पार्टियों को दागी उम्मीदवारों के अपराध का ब्यौरा प्रकाशित करना जरूरी होगा। हालांकि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के आपराधिक मामलों पर नज़र रखने वाले इन आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को चुनाव रोकने के लिए उठाए गए कदम की सफलता को शंका की दृष्टि से देख रहे हैं। लोकतांत्रिक सुधार संगठन और बिहार इलेक्शन वॉच के कन्वेनर राजीव कुमार का कहना है कि चुनाव आयोग की गाइडलाइन के बावजूद कुछ आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग सीधे या प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में भागीदारी करने की जुगत लगा रहे हैं। ऐसे लोग ने नियमों को गच्चा देने का तरीका ढूंढ लिया है और वो खुद तो नहीं लेकिन अपने करीबी संबंधियों को चुनाव में उतार रहे हैं। तो इतिहास भी यही दिखाता है और उसके पन्नों को अगर उलट कर देखा जाए तो यही समझ में आता है कि पिछले चुनाव से ही देखा जा रहा है, कई चुनाव से, कि जो दागी नेता होते हैं वो पार्टियों की तरफ से उम्मीदवार ज़्यादातर बनाए जाते हैं। हालांकि इसको लेकर चुनाव आयोग ने इस बार कई सारी गाइडलाइन दी। फरवरी में कोर्ट की तरफ से भी ये कहा गया कि ऐसे जो दागी नेता हैं उनको उतारने से पहले उनकी सारी जो ब्यौरा है वो जनता तक पहुँचाना ज़रूरी है और आपको पहुँचाना पड़ेगा। लेकिन इन सब के बीच अभी भी इस बार के चुनाव में भी देखा जा रहा है कि कई सारे ऐसे दागी नेता हैं जिनको उम्मीदवार के तौर पर रणभूमि में उतारा गया है। चाहे हम बात करें अनंत सिंह की, मोकामा के हॉट सीट से उन्हें भी टिकट दिया गया है राजद की ओर से या फिर राजद पार्टी की ओर से, ना सिर्फ प्रत्यक्ष रूप से बल्कि अप्रत्यक्ष तौर से भी कई सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि जिनका बैकग्राउंड आपराधिक रहा है। चाहे वो राजवल्लभ यादव की बात करें तो उनकी पत्नी को उतारा गया है और कई ऐसे जो दागी नेता हैं उनको उतारा गया है। हालांकि इस पर रोक लगाई गई है लेकिन सवाल ये है
कि आखिर क्यों इतने रोक के बावजूद पार्टियां उन्हीं नेताओं का क्यों चुनाव करती हैं, क्यों उन्हें ही रणभूमि में उतारती हैं, तो सब मिलाकर यही कहा जा सकता है, राजनीतिक विश्लेषकों का भी यही मानना है कि इनको उतारने के सिर्फ और सिर्फ एक यही वजह होती है, या तो वो उनकी सिटिंग सीट होती है या फिर वो एक कद्दावर नेता के तौर पर उस विधानसभा क्षेत्र से उतरते हैं। और कहीं ना कहीं पार्टियों को ये मन में बात होती है कि अगर हम उन्हें उतारेंगे तो ज़रूर ही हमें जीत हासिल होगी। हालांकि ये बात गलत है, कई इस तरह के रोक उस पर लगाए गए हैं, लेकिन इन सब के बीच ये जो पार्टियों की दावपेच है, किसी भी तरह वो इस सियासत के खेल को जीतना चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि हर दावपेच के बाद आखिर कौन सी पार्टी सत्ता का ताज पहनती है। फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।